हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं क्रिकेट की। चौथे टेस्ट में ये हो सकती है भारत की प्लेइंग 11, जाने किसे मिल सकता है मौका जनाब। जी हाँ जनाब, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गाउस का ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच 15 जनवरी से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। 4 मैचों के टेस्ट सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। ब्रिस्बेन में निर्णायक टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया मुश्किल में है। बुमराह पेट की मांसपेशियों के खिंचाव के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिस्बेन में नेट पर बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल के हाथ में चोट लगी है। इसके अलावा रविचंद्र अश्विन की पीठ की जकड़न की समस्या बढ़ गई है, जिससे भारत के पास अधिक विकल्प नहीं बचे हैं। टीम इंडिया के पहले ही मोहम्मद शमी, उमेश यादव, के अलावा रविंद्र जडेजा, हनुमान विहारी और जसप्रीत बुमराह चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। अब टीम इंडिया के सामने मुश्किल यह है कि किसे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। आइए नजर डालते हैं कि ब्रिस्बेन में क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11 जनाब। अगर ओपनिंग की मैं बात करूं, रोहित शर्मा और सुमन गिल ये दोनों ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। तीसरे नंबर की बल्लेबाजी के लिए चेतेश्वर पुजारा, चौथे नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे, पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत, छठे नंबर पर पृथ्वी शॉ, सातवें नंबर पर विद्यमान शाह, आठवें नंबर पर रविचंद्र अश्विन, नौवें नंबर पर मोहम्मद सिराज, दसवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर और 11 नंबर पर टी नटराजन जनाब। तो ये हो सकती है भारत की प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन में, क्योंकि लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ी हो रहे हैं चोट से बाहर। तो आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।